देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। बांदा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए आक्रोश जताया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम महिलाओं पुरुष कार्यकर्ताओं ने शहर के अशोक लाट चौराहा पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नागरिक संशोधन बिल को फाड़ कर आग लगा दी। लोकसभा में जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मंथन चल रहा है, उसी पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने आज प्रियंका वाड्रा के आह्वान में यूपी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बांदा में भी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने शहर के अशोक लाट पहुंचकर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध जताते हुए बिल को फाड़ दिया और उस पर आग लगा दी। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने भाजपा द्वारा जो ये नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है उसके खिलाफ हम उनकी प्रतियों को जलाने पर यहाँ पर आए और जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा संघ के विधान के एक एक नुस्खे को लागू करना चाहती है और ये जो बिल लाना चाहती है ये बराबरी का नहीं, बंटवारे का है। ये आपस में बांटना चाहते हैं हम लोगों को, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और ये संविधान की आत्मा पर प्रहार है। इसलिए हम सब लोग इनकी प्रतियों को जला करके अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और हम संघ के विधान को भारत का संविधान नहीं बनने देंगे। उसकी प्रति आज हम लोग क्योंकि ये एक हम लोगों को बिल्कुल बांटने का काम किया जा रहा है जो कि संविधान 14 के अंतर्गत एक कभी भी जातिवाद में बंटवारा नहीं हो सकता। उसका ये बिल्कुल गलत उपयोग कर रहे हैं भाजपा वाले। इन्होंने जो बिल पास किया उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसकी प्रति हम लोग जलाएंगे। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज।